नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। बात करेंगे आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका, रसोईया, इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर के एक बार फिर से जो है चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका, रसोइयां, इनसे जो भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आप सभी को देखने और सुनने को मिलेगा। मैं आप सभी कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में भारी वृद्धि की गई है। 25 सितंबर जो है बहुत खुशी का दिन आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के लिए है, क्योंकि आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी के मानदेय पे बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वित्त मंत्री की मुहर लग चुकी है, अब सभी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के तहत सम्मान काम का सम्मान वेतन दिया जाएगा, एक सम्मानजनक वेतन से सम्मान किया जाएगा, साथ ही साथ प्रोत्साहन राशियाँ, स्वास्थ्य बीमा, इन सब का लाभ आप सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। और अगर आपका अनुभव 10 साल से ज़्यादा का होता है तो आपको भी जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हर राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, एक किसी पर्टिकुलर एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर लिया जाए चाहे आप मध्य प्रदेश से हों, बिहार से हों, राजस्थान से हों, उड़ीसा से हों, पश्चिम बंगाल से हों, गुजरात से हों, कहीं की भी आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हैं तो उनके मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। अब सभी के मन में एक ही डाउट आता होगा कि कितनी मानदेय मिलेगी जो बढ़ा हुआ है। तो आशा कर्मियों की बात कर लिया जाए तो 20,000, आंगनबाड़ियों का मानदेय बात कर लिया जाए तो 16,000, वही बात कर लिया जाए सेविकाओं की तो सेविकाओं का जो मानदेय मिलेगा वह 20,000 मिलेगा। सहायिकाओं की बात कर लिया जाए तो 14,000 रुपये का मानदेय, जीविका की बात कर लिया जाए तो 10,000 रुपये का, रसोइया की बात कर लिया जाए तो 10,000, वहीं बात करते ANM और GNM कर्मचारियों की बात कर लिया जाए तो इनके मानदेय में 30,000 और 32,000 का मानदेय इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलासा करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन के साथ सम्मानित किया जाएगा, साथ ही इन सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ आप सभी कर्मचारियों को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी कर्मचारियों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अक्टूबर से जो है आप सभी के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय आना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।